देखो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या क्वेश्चन है देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ फोर डिफरेंट कलर्स मतलब जैसे मान लो रेड बॉल्स हैं है ना रेड बॉल्स हैं तो ये अनलिमिटेड हैं मतलब हमारे पास बहुत सारी रेड बॉल्स हैं और मान लीजिए ग्रीन बॉल्स हैं तो ग्रीन बॉल्स भी देखो ये अनलिमिटेड है मेरे पास बहुत सारी ग्रीन बॉल्स हैं मान लो ब्लैक बॉल्स हैं तो मेरे पास बहुत सारी ब्लैक बॉल्स हैं मान लो वाइट बॉल्स हैं तो मेरे पास बहुत सारी वाइट बॉल्स हैं मतलब मेरे पास चार अलग अलग कलर्स की अनलिमिटेड बॉल्स हैं है ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ इडेंटिकल बॉल्स अच्छा आप जैसे रेड है तो रेड सारी एक जैसी है ग्रीन सारी एक जैसी है ब्लैक सारी एक जैसी है वाइट सारी एक जैसी है ना रेड बॉल सारी एक जैसी है ग्रीन एक जैसी है ब्लैक एक जैसी वाइट एग जैसी है ना फोर डिफरेंट कलर्स देखो हाउ मैनी अरेजमेंट ऑफ एटमोस्ट एट बॉल्स देखो अरेजमेंट्स ऑफ एटमोस्ट एट बॉल्स एटमोस्ट एट बॉल्स मतलब अरेंजमेंट बनाने हैं अधिक से अधिक आठ बॉल्स के इन रो में है ना देखो कैन बी मेड बाय यूजिंग देम देखो मतलब एट मोस्ट एट बॉल्स मतलब अधिक से अधिक आठ बॉल्स के अरेंजमेंट चाहिए तो मतलब एक के भी कर सकते हैं दो के भी तीन के भी चार के भी आठ के भी है ना देखो जैसे मान लो अगर हम वन बॉल का अरेंजमेंट बनाए तो वन बॉल के अरेंजमेंट मतलब एक ही गेंद चाहिए तो या तो आप रेड लोगे या ग्रीन या ब्लैक या वाइट अब रेड लोगे तो सारी रेड एक जैसी है रेड लेने का एक ही तरीका तो मतलब फोर वेज पॉसिबल हो गए फोर वेज बस मतलब या तो आप इनमें से कोई एक रेड लोगे अब आइडेंटिकल रेड बॉल हैं उनमें से रेड बॉल को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं ग्रीन को लेने का एक ही तरीका मतलब चार तरीके हो गए एक गेंद को लेने के है ना क्योंकि तो आप रेड लोगे या ग्रीन लोगे या ब्लैक लोगे या व्हाइट लोगे तो फोर वेज ठीक है देखो अगर हम टू बॉल्स के अरेंजमेंट बनाएंगे तो क्या होगा दो प्लेस मान लिए तो इस प्लेस को भी फिल करने के फोर वेज और इसको भी फिल करने के फोर वेज तो क्या हो गया फोर इंटू फोर फोर स्क्वायर है ना फोर इंटू फोर क्योंकि अरेंजमेंट बनाने तो दो प्लेस चाहिए इसको फिल करने के फोर वेस इसके फोर फोर वेस तो हमारे क्या हो गए बोलो सिक्सटीन वेस देखो अगर हम थ्री बॉल्स के अरेंजमेंट चाहते हैं तो वन बॉल टू बॉल थ्री बॉल तो देखो क्या होगा इसको फिल करने के फोर वेज इसके भी फोर वेस इसके भी फोर वेज तो क्या हुआ फोर इंटू फोर इंटू फोर तो फोर की पावर थ्री वेस देखो हो गया ठीक है इसी प्रकार बढ़ते 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 अगर हम एट बॉल्स के अरेंजमेंट बनाते हैं तो वन बॉल टू बॉल थ्री बॉल अप टू एट बॉल देखो क्या होगा इसके भी फोर वेज इसके भी फोर वेज इसके भी फोर वेज इसके भी फोर वेज तो क्या होगा देखो फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर तो क्या हुआ बोलो फोर की पावर एट फोर की पावर एट के देखो बनेंगे तो एक बॉल के अगर अरेंजमेंट बनाएंगे तो फोर दो बॉल्स के बनाएंगे तो फोर स्क्वायर तीन के बनाएंगे फोर की पावर थ्री और अगर एट के बनाएंगे तो फोर की पावर एट तो देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गए सोचो है 4 फोर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फोर क्यूब से लेकर के फोर की पावर एट है ना ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ओके देखो एट मोस्ट एट बॉल्स यानी एक बॉल दो बॉल तीन बॉल से लेके आठ गेंदों तक के बना सकते हैं देखो क्या हुआ इन सबको सम करो देखो जीपी है तो जीपी का सम क्या होगा ए ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर देखो क्या हुआ फोर अपॉन माइनस थ्री वन माइनस फोर की पावर एट ये माइनस ऊपर ले जाओगे तो बचेगा क्या बोलो फोर की पावर थ्री फोर की पावर एट माइनस वन देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया फोर बाई थ्री फोर की पावर एट माइनस वन है ना? ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर हो गया है ना टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए तो वन बॉल के भी बन सकते हैं टू के भी थ्री के भी एट के भी तो फोर प्लस फोर स्क्वायर से फोर क्यूब तक फोर की पावर एट को सम कर दिया ये एक जीपी बन गई जीपी का सम निकाल लिया तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली क्या है इसकी लैंग्वेज में दिक्कत होती है मतलब बच्चे लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं क्या तो इसलिए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे हम लैंग्वेज को भी धीरे धीरे करके पकड़ना सीखें है ना तो ऐसा देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ये किया लिखो बच्चों ध्यान से इसको जल्दी से